दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती की हर जानकारी आपको हमारे चैनल कंपटीशन न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिल जाती है तो इस समय की बहुत बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाले हैं यू पी टी की नई परीक्षा तिथि क्या है अभ्यर्थियों की मांग क्या पूरी की गई है सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज का ये न्यूज़पेपर है है प्रकाशित होने वाला दोस्तों ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दें अब अक्टूबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा पहले दिसंबर में टी टी की परीक्षा आयोजित की जाने की बात दोस्तों की जा रही थी लेकिन दोस्तों अब माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे दिनेश शर्मा जी हैं दोस्तों वो चाहते हैं कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो दोस्तों अक्टूबर में ही हो जाए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेकिन बेसिक के शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि परीक्षा अक्टूबर में ही करा ली जाए सूत्रों का कहना है कि अब अक्टूबर में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको कराने की तैयारी दोस्तों की जा रही है और यहाँ पर आप लोग देख सकते सकते हैं हैं आजीवन मान्य होने से रिकॉर्ड संख्या में आ सकते हैं। आवेदन पिछले साल यानी कि 2020 में कोई भी दोस्तों शिक्षक पात्रता की परीक्षा नहीं हुई थी इस बार भी कोरोना की वजह से बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा को टाला जा रहा है तो ऐसे में दोस्तों एक अच्छी खबर है हो सकता है चुनाव से पहले आप लोगों को शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तों जो छात्र थे और जो अभ्यर्थी थे काफ़ी मायूस हो चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दिसंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई तो नई शिक्षक भर्ती कब आएगी लेकिन दोस्तों अब एक उम्मीद की किरण दोस्तों नजर आने लगी है कि नई शिक्षक भर्ती भी दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा के तुरंत बाद आप लोगों को देखने को मिल सकती है और एक और बड़ी खबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो जूनियर एडेड की जो शिक्षक भर्ती थी दोस्तों उसे अब फिर से टाला जा सकता है क्योंकि दस अक्टूबर को दोस्तों जो आई का एग्जाम है सिविल सेवा का जो प्रारंभिक एग्जाम है उसकी परीक्षा है तो इसकी वजह से दस अक्टूबर को होने वाली जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा को भी टाला जा सकता है फिलहाल दोस्तों जो भी जानकारी मिलेगी आपके अपने चैनल कॉम्पिटिशन उसके माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जय हिंद जय जै भारत